किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनको खत्म किया जाए, किस तरह से हिंदू आबादी को कम किया जाए, ये पूरा इस्लामिक एजेंडा चलाया। इस्लाम हिंदू लड़की और हिंदू लड़के मुसलमान लड़के की शादी को जायज नहीं समझता। ये मैं किसी से डरती तो नहीं ना मैंने हूँ, और जवाब दिया ना समाज आपको, मैंने समाज जवाब में दिया ना आपको। रहना है आप मुझे, क्योंकि अगर जैसे कोई भी शिया शिया है, मैं भी शिया हूँ, तो आप मुझे डरा रहे हैं उनसे, मैं डरती तो नहीं ना सुनिए, हूँ। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी, और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं आफताब अमीन पूनावाला, जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसकी हत्या की, उसके बाद पूरे देश में एक दहशत का माहौल बन गया, चर्चा काफी हुई, और लगातार पुलिस भी इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। और अब जबकि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा था पिछले कई दिनों से, आफताब पूनावाला ने ये बात एक्सेप्ट की है पॉलीग्राफ टेस्ट में कि उसने श्रद्धा को मारा है, और उसको इस बात का कोई मलाल नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब और नाज़नीन अंसारी। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। रशीदी साहब, आफताब पूनावाला के पारसी होने का जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, अब जबकि सोशल मीडिया की पोस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में साबित हो गया है कि वो एक मुसलमान है, और अब क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि जो उसने ये बात कही है कि अगर वो मर भी जाएगा, उसको फांसी की सजा भी हो जाएगी, तो उसको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। आप इस पूरे उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है तो वो गैर इस्लामी है। एक तो उसने जो मर्डर किया है, कत्ल किया है, ये गैर इस्लामी है। दूसरे, अगर वो मर्डर करने के बाद, कत्ल करने के बाद ये सोचता है कि मुझे जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो ये भी गैर इस्लामी है। क्योंकि मर्डर की सजा कुरान में जो है वो मामूली सजा नहीं है। इसलिए ये इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, या इस तरह की बातें जो आमतौर से फैलाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं अपने नापाक अमल से। इस्लाम इन चीजों से बहुत दूर है। हम बार बार कहते हैं कि इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। अगर कोई इस तरह का क्राइम जराइम करता है तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी अपनी निजी सोच, उसका गंदा जहन और उसका बुरा अमल, ये उसका अपना है। इस्लाम इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देता, और ऐसे जराइम को इस्लाम से जोड़कर भी नहीं देखना चाहिए। देखिए, मुसलमान, मैं बार बार कहता हूं, आपको भी याद होगा, मैं बार बार ये कहता हूं कि आज के मुसलमान का अमल देखकर इस्लाम को नहीं आंकना चाहिए। इस्लाम तो ये कहता है शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, लेकिन मुसलमान कर रहा है उस चीज को। तो अगर मुसलमान कर रहा है तो हराम काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में वो चीज जायज हो जाएगी। अगर इसने जो है उस लड़की को धोखा देकर किसी तरह से भी उसका मर्डर किया है, ये जग जाहिर है, सबको पता है कि हाँ मर्डर किया है, 35 टुकड़े किए हैं, तो ये गैर इस्लामी चीजें हैं। इस्लाम इनकी कतई इजाजत नहीं देता, क्योंकि इस्लाम शादी से पहले मोहब्बत को जायज नहीं समझता। इस्लाम हिंदू लड़की और हिंदू लड़के मुसलमान लड़के की शादी को जायज नहीं समझता। मुसलमान जो है जबरदस्ती किसी का धर्म धर्म परिवर्तन करने को जायज नहीं समझता। जब इस्लाम इन तीनों चीजों को जायज नहीं समझता, तो फिर किसी मुसलमान के अमल को इस्लाम से जोड़कर देखना, मैं समझता हूं ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है, मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रशीदी साहब, सवाल तो ये है कि इस तरह की चीजें बहुत बढ़ रही है, और इस तरह के वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, आफ्ताब हिंदी भी नहीं बोल पाता, आफ्ताब पूनावाला, और अंग्रेजी में पूरी बात करता है, इनफैक्ट उसका पूरी पॉलीग्राफ टेस्ट भी अंग्रेजी में हुआ है, पूरे टाइम वो अंग्रेजी में बात करते रहे। नाज़नीन जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कहा कि उसको श्रद्धा को मारने का कोई मलाल नहीं है, और उसको फांसी भी हो जाती है तो उसको 72 हूरें मिलेंगी, क्या जो आशंका श्रद्धा के पिताजी ने जताई थी स्टार्टिंग में कि ये लव जिहाद का केस हो सकता है, तो क्या हम इसको इस तरह से देखें कि वो लव जिहाद में शामिल था? क्योंकि जिस तरह की बात अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है कि आप अगर किसी को मारते हैं, काफिरों को मारेंगे, तो आप जन्नत में जाएंगे, 72 हूरें मिलेंगी। जी
जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये लव जिहाद का ही मामला है, और जिस तरह से उसने पूरी साजिश रची, इतने लंबे समय तक उसके साथ रहा, फिर उसके बाद उसकी उसको मर्डर का पूरा साजिश रची, तो ये पूरा का पूरा मामला लव जिहाद का है। और एक पूरा एजेंडा वो चलाया जा रहा है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनको खत्म किया जाए, किस तरह से हिंदू आबादी को कम किया जाए, ये पूरा इस्लामिक एजेंडा चलाया जा रहा है। जो हमारे देश में इस तरह के लड़के, जो आजकल के नौजवान युवा लड़के हुए हैं, वो चला रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इनको शह मिल रही है पाकिस्तान से, आसपास के। हम शायद नाज़नीन जी का डिस्कनेक्ट हो गया, उनको वापस आने का हम इंतज़ार करते हैं। जब तक आगे बढ़ा लीजिए, जब वो आ जाएंगे उनसे फिर जी दोबारा पूछ लीजिए। नहीं, आगे ही आगे हो। उनकी कनेक्टिविटी सही नहीं है। शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा रशीदी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप तो आपने ये खुलासा किया कि हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना, उनको इमोशनली फुल बनाना काफी आसान होता है, और इस तरह की जब बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें वो स्पष्ट रूप से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की बात एक्सेप्ट करता है, और जहां पर ये बात भी सामने आती है कि इस्लाम में काफिरों को मुसलमानों से कम दर्जे का आंका जाता है, इन सारी चीजों को जिस तरह की उसका माइंडसेट सामने आ रहा है, इस सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, आप इसमें हिंदू लफ्ज क्यों लगा रही हैं? लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, कोई भी लड़की हो, उसको मुसलमान वो सॉरी बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और लड़के बना रहे हैं और लड़कियां बन रही हैं। सवाल ये है, देखिए जो जराइम हो रहे हैं उसमें कोई शक नहीं, बहुत घिनौने हैं, बहुत बुरे हैं, इसको कोई आदमी जो है इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है, आजादी के नाम पर जिस तरह से औरतों ने अपने आप को बिल्कुल खुला छूट दे दी है, और जिस तरीके से जरा सी देर में कहीं ना कहीं किसी भी लड़के के उसमें प्रेम जाल में ये फंस जाती हैं, इसमें बहुत सारी जो है, आप फेसबुक पे देखिए, फेसबुक पे आप देखिए, आपको सैकड़ों हजारों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी कि गोल्ड डिगर लड़कियां जो है इस तरह की होती हैं, जो बाकायदा वो भी लड़कों को फंसाती हैं और लड़कों को फंसा कर ब्लैकमेल करती हैं, उनकी वीडियो बना लेती हैं, फिर उनसे पैसा ऐंठती हैं, फिर उनसे उनको पता नहीं क्या क्या करती हैं। तो ये एक तरफा मामला नहीं है मैडम, अगर एक तरफा मामला इसको करेंगे आप, एक तरफा मामला कह ही नहीं सकते। ये आजादी के पहली नाम बात पर जो तो आजादी का, सुनिए सुनिए पहली मैं बात पूरी कर लूं, अच्छा आप पूरी कर लीजिए पहले। आजादी का जो मिसयूज हो रहा है लड़कियों की तरफ से वो बहुत बहुत गलत है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने आजादी का नारा दिया है औरतों की, उनका मकसद नेक हो सकता है। उनका मकसद नेक नहीं था, उनका मकसद सिर्फ ये है कि औरतें घरों से निकलें और हमारा लुकमा बने, हमारे साथ आए, हम जैसा चाहे उनको इस्तेमाल कर लें, उनका मकसद यही है। उनका मकसद ये नहीं कि औरतों को आगे बढ़ाना है। आप मुझे बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में या नौकरियों में या कहीं भी लड़कियां जो काम कर रही हैं, क्या उनके साथ इस तरह के घिनौने काम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन बेचारी परेशानी में, मजबूरी में, पता नहीं किस तरह से उसमें उनको बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं। तो ये सारा आजादी के नाम पर जो आडंबर रचा जा रहा है, और आजादी के नाम पर जिस तरह औरत का शोषण हो रहा है, असल मुद्दा ये उठाना चाहिए। असल मुद्दा अब ये नहीं होना चाहिए कि साहब वो लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। असल मुद्दा यह है कि आजादी के नाम पर जो मिसयूज लड़के और लड़कियां कर रही हैं उस आजादी का, उसको उसको कैसे खत्म किया जाए समाज से, उसको सही रशीदी कैसे किया साहब, जाए।
पहली बात तो ये कि महिलाएं मतलब इतनी आप ये कहना बेवकूफ नहीं चाहते होती हैं कि कि लड़कियों को उनको कैद कर बदला देना सके चाहिए। कोई। नाजी जी आप कुछ बोल रही है, बोलिए फिर मैं बोलूँ। जी, मेरा ये पूछना है कि इनका ये कहना है कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर के सिर्फ काम करने चाहिए। आपका तो यही कहना हुआ ना फिर? वो ये कह रहे हैं कि लड़कियां आसानी से बेवकूफ बन जाती हैं मैं और आपके सवाल का लड़कियों जवाब देना आजादी मुनासिब नहीं होती है, समझता। आप जो सवाल जवाब लड़कियों को उनसे आजादी कीजिए होती है उसका जिन्होंने गलत आपको इस्तेमाल कर बुलाया रहे हैं, है। लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। हम इस मसले को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर लव जिहाद का मसला डिस्कस कर रहे हैं। नाजिम जी आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा सवाल आपसे जो था मैं उस पर आपका जवाब चाहती हूँ, आपका कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं वापस सवाल करूंगी आपसे नाजिम जी, मेरा सवाल आपसे था कि आपदा पूनावाला ने जो पॉलीग्राफ प्रेस में 72 हूरों की वाली बात एक्सेप्ट की है कि अगर वो मर भी जाएगा फांसी की सजा हो जाएगी तो उसको 72 हूरे मिल जाएंगी, और जो कि कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि वो लव जिहाद में शामिल था, क्योंकि जो श्रद्धा के पिता ने आशंका जताई थी उस ओर ये सारी चीजें जाती नजर आ रही है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अमर जी, ऐसा है कि ये पूरा का पूरा मामला जिस तरह से लव जिहाद का चल रहा है कि पूरे देश में अभी जगह जगह श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा की तरह तमाम लड़कियों का आए दिन निकल रहा है। कभी वो सूटकेस में मिलती हैं, कहीं और कहीं कुएं में मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है इस्लामीकरण करने का भारत को, और भारत में हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनको खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। ये पूरा का पूरा मामला लव जिहाद का है। अगर लव जिहाद के लिए कोई कानून नहीं बना, कोई बैन नहीं लगा और हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो इसी तरह ना जाने कितनी श्रद्धा को ये लोग कत्ल कर देंगे और उनको खत्म कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला लव जिहाद का है, जो श्रद्धा के पिताजी ने आशंका जताई, उनकी आशंका बिल्कुल सही है। और ये हम लोग भी कहते चले आ रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, कोई ऐसी नहीं कि एक अनबन थी या गुस्से में आकर के ऐसा काम हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक सोचा समझा साजिश था जिसको आफ्ताब ने अंजाम दिया है। लेकिन अभी रशीदी साहब तो कह रहे हैं ऐसे कोई बात ही नहीं, लव जिहाद तो ऐसा कुछ नहीं, अगर मुसलमान कोई ऐसा गलत काम भी करता है तो उसपे मुसलमान पे इस्लाम पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। देखिए ऐसा है ना कि अगर मुसलमान ऐसा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ इन्होंने कोई फतवा नहीं जारी किया, ना ही कोई ऐसा विरोध अभी तक इन लोगों ने दर्ज कराया जिससे ये लगे कि ये जो एक बड़ा तबका है मुस्लिम तबका, जो पढ़ा लिखा है, जो बुद्धिजीवी है, जो मौलाना वर्ग है, जो आलिम वर्ग है, वो इसके साथ नहीं खड़ा है। इन्होंने अभी तक ऐसा कोई विरोध भी दर्ज नहीं कराया। और आप देख लीजिए तमाम ऐसे गलत काम हो रहे हैं, चाहे आतंकवाद को लेकर के हो, चाहे लव जिहाद को लेकर के हो, चाहे तमाम और कामों को देख कर लेकर के देखिए कि किसी भी मर्दों के खिलाफ ये लोग कोई फतवा जारी नहीं करते। सिर्फ फतवा जारी करने का ठेका इन लोगों ने औरतों के लिए ले रखा है, जहां पर औरतें कुछ भी करती हैं, अगर वो घर से बाहर जा रही हैं, वो बाल बड़े रख रही हैं, पर्दा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो क्या कपड़े पहने, इसके लिए फतवे जारी हो जाते हैं। मगर जब भी कोई इस्लाम के नाम पर अगर इस तरह का कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ अभी तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जाते जिससे ये लगे कि इस्लाम का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो आलिम वर्ग है, वो इनके साथ नहीं खड़ा है, वो इस्लाम का हिस्सा इसको नहीं मानता है। उनका चुप रहना है, इसका अच्छा मतलब ये है कि ये इस्लाम का हिस्सा इसे मानते हैं। रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि अब जबकि आफ्ताब पूनावाला ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बात कबूली है, 72 हूरों पे एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई, मेरा सवाल आपसे ये कि जो मान्यता है 72 हूरों को लेकर जो सवाल उठते हैं मुस्लिम पुरुषों में ही कितनी ज्यादा व्यापक है, और जो कि एक बात कही जाती है कि मरने के बाद अगर आप जिहाद करते हो मरते हैं तो 72 हूरें मिलती है, ये अवधारणा कहाँ पे, कौन से इस्लामिक स्क्रिप्चर में कहाँ से आती है, क्या इसके पीछे की कहानी है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, सबसे पहले तो ये है कि ये लव जिहाद है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हादिया केस में कि लव जिहाद नहीं है, और बाकायदा सरकार के मंत्री ने 2021 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो आप इसको लव जिहाद कहते रहे, लव जिहाद तो है ही नहीं। ये तो एक जराइम है, जो करेगा वो सजा भुगतेगा। अच्छा मतलब जो हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं केरला में हजारों केसेस आए, जितने भी हमारे सीमावर्ती इलाके हैं स्टेट्स हैं उनमें लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रहे हैं, यूपी उत्तराखंड झारखंड पंजाब लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, और जो रिपोर्टेड केसेस हैं जिसमें पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन के इरादे से मोहब्बत या शादी की जाती है उनको हम किसका नाम दें, और यहाँ तक की जो प्राइस लिस्ट भी एक सामने आती है मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे फिर? सवाल मेरा आपसे ये था कि देखिए इसके पीछे देखिए देखिए, सुनिए, इस्लामिक एक चीज स्क्रिप्चर्स समझ हैं लीजिए। वो कहाँ से ये सीख मिलती है, कहाँ से ये
इस तरह की बातें दिमाग में। एक चीज को अच्छी तरह जहन में रख लीजिए, अगर आपकी जानकारी में नहीं तो मैं बता देता हूँ, कोई भी सरकार का मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में बयान देता है तो तमाम जो सरकार की एजेंसीज होती हैं उनकी रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद बयान देता है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो रिकॉर्ड में होता है। ऐसा नहीं कि हमारी देश की एजेंसी इस चीज को नहीं देख रही है। जब एजेंसियों ने मिनिस्टर को बता दिया कि इस तरह का कोई केस है ही नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया। तो मैं और आप कहते रहे लव जिहाद, ये तो कव्वे के कोसने से कोई ढोर थोड़े मरते हैं, आप कहते रहिए। केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा था, एनआईए की रिपोर्ट क्या थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केरला हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त किया कि नहीं किया। अच्छा चलिए, अगर आपकी बात मान भी ले तो ये बताइए क्या। नहीं मान भी ले नहीं, मानिए, मान भी ले नहीं, मानिए इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया उस फैसले को। हम आज के केस की बात कर रहे हैं श्रद्धा की, आज जो आशंका उसके पिता ने जताई थी वो सही साबित होती नजर आ रही है, पॉलीग्राफ। अच्छा अच्छा सुनिए, अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। देहरादून में एक केस हुआ, इंजीनियर था ये लड़का जिसने अपनी बीवी को अपनी प्रेमिका के 72 टुकड़े किए, 35 नहीं 72। अभी कानपुर में परसों 3-4 दिन पहले एक लड़के ने तांत्रिक बनने के चक्कर में अपनी माँ को मारा, उसको फिर उसके हिस्से जला जला कर भून भून कर वो खाता रहा कई दिन तक। अभी एक और केस मिला जिसने अपनी प्रेमिका को जो है 5-6 टुकड़े कर दिए। ये कौन सी किताब पढ़ते हैं, ये कौन सा जिहाद है, जरा बताइए, ये अलग जवाब दीजिए आप मुझे। आप नहीं जवाब क्यों नहीं, हम उस पैटर्न की बात कोई लव जिहाद नहीं, ना ये कोई ऐसा नहीं कि हिंदू लड़कियों को एक वर्ग को। मोहतरमा मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ नाजरीन जी, ना मैं जवाब देना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ आपसे। मेरा सवाल इनसे है, मोहतरमा से जो एंकर है, आपसे नहीं है, आपसे ये पूछेंगे तो बताइएगा। देखिए हम लोग सब एक तो अंबर मुझे बताइए ये कौन सा जिहाद है, तो इस तरह से हम बात नहीं कर सकते ना, वो भी चर्चा का हिस्सा है। नहीं मेरा नाम लेके ना कहे ना, मेरे मेरी बात पर ना कहे, आपके सवाल पर बोलने क्या दिक्कत है। नाम लेके नहीं बैठा, मैं तो नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा, मैं तो इंटरप्ट नहीं कर रहा मोहतरमा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जब आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ तो आप भी मुझे मत कीजिए, वो आपसे सवाल करेंगी जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है नाजरीन जी, आपका आपकी बात पूरी हुई, आप जो कहना चाह रही थी वो कम्प्लीट कर लीजिए। देखिए ये जो अभी कह रहे थे ना कि जिस तरह से ये कौन सा जुर्म है या ये किस किताब में लिखा हुआ है, तो ये कोई एजेंडे के तहत नहीं चलाया जा रहा है। एक के बाद एक हिंदू लड़कियों के नाम आ रहे, एक के बाद एक जो मर्डर करने वाले लोग हैं वो मुस्लिम लड़के ही हैं, तो ये बिल्कुल जाहिर तौर पे है कि लव जिहाद का एजेंडा आज से नहीं चलाया जा रहा है, कई सालों से चलाया जा रहा है। तो ये जो कुछ लोग अभी इन्होंने जिस हत्याओं की बात की वो कुछ दूषित मानसिकता के लोग हैं जो यहाँ पर रह करके जुर्म कर रहे हैं, तो उनकी अपराध की सजा अलग है, मगर जो कुछ काम एजेंडे के तहत चला जाता है उसको ना किसी जिहाद का नाम दिया जाता है इस्लाम में, और ये भी एक लव जिहाद है जो श्रद्धा के साथ हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा मेरा सवाल आपसे है नाजनीन जी, कि जो की बात आपने पहले भी कही ये कि 72 हूरों को लेकर जो ये अवधारणा है जो की काफी प्रचलित है, इसको कहीं ना कहीं एक गैर इस्लामिक कोशिश नहीं कर देना चाहिए जो हमारे इस्लामिक उलेमा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधी अधूरी जानकारी, गलत जानकारी, जैसी भी जानकारी है उसको लेकर जो इस तरह से युवा अपने दिमागों में इस तरह की चीजें बैठाकर अगर ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं उनको अप्रचलित घोषित नहीं कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, और जो ये टैगलाइन चलती है कि मरने के बाद 72 हूरे मिलेंगी, तो जब जिंदा रहते कुछ नहीं हो पा रहा है तो मरने के बाद जो तुम्हारे पास जिंदा रहते जो हूर है तुम उसकी कदर नहीं कर पाए, तो मरने के बाद कौन सी हूर मिलेगी किसने देखा है, ये जो टैगलाइन चलती है ना इसको बंद कर देना चाहिए, इस पे बैन लगाया जाना चाहिए, ये इनकी तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि ये जो टैगलाइन है ना ये युवाओं का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और आप देख लीजिए चाहे एक के बाद एक आतंकवाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे तमाम और चीजें सामने आती है, तो वो इसी टैगलाइन पर आती है कि मरने के बाद 72 हूरे मिलेंगे। भाई जब जिंदा रहते हम किसी चीज की कदर नहीं कर रहे, तो मरने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं ये किसने देखा है, यही सवाल रशीदी साहब मेरा आपसे है, आप क्या कहते हैं इस सवाल पर। आप एक काम कीजिए, किसी दिन मौलाना कल्बे जव्वाद साहब को जो आपके स्कूल ऑफ थॉट्स के बड़े आलिम हैं उनको मेरे साथ लाइएगा और ये सवाल मेरे सामने उनसे कीजिएगा। मैं उनसे भी सवाल कर सकती हूँ, मैं तो हर किसी से सवाल करती हूँ, क्या बात होगी आपको, बिल्कुल लाइएगा। मैं तो कितने सारे अगर अगर मौलाना सुनिए अगर मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने इस थॉट्स को नकार दिया
फिर उस पर आगे बात करेंगे। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अगर इस तरह से युवा गलत जानकारी है, आधी अधूरी है, इस तरह की चीजें जो प्रचलित हो रही हैं, उनको आपको नहीं लगता है जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्कॉलर्स हैं उनको गैर इस्लामिक घोषित करना चाहिए या इस तरह की चीजों को सही तरह से एड्रेस करने की जरूरत है? मेरा सवाल ये है, मैं किसी से डरती थोड़ी ना मैंने हूँ। जवाब दिया सवाल ना है, आपको, मैंने सवाल जवाब है, दिया ना आपको। सवाल है, आप मुझे क्योंकि अगर मेरे को शिया, शिया है, मैं भी शिया हूँ, तो आप मुझे डरा रहे हैं उनसे, मैं डरती थोड़ी ना सुनिए, हूँ। मैं सवाल कर रही हूँ। अगर शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में ये जानकारी नहीं है, आप पहले मौलाना को साथ में जोड़ लीजिए मेरे। मैंने ऐसा अगर प्योर वो कह सुनने की दें कि बात हाँ नहीं की, कुरान में मैंने ऐसा नहीं है, इस्लाम की सुनिए बात सुनिए, की है, आप मुझे वहां उस पे जवाब दे दीजिए। मैंने तो सेक्रेटेरियन बात की है, मैं जवाब ही मैंने दे रहा हूं। अगर इस्लाम आप की समझे, मैं ऑर्गेनाइजेशन जवाब ही दे बात रहा की हूं। अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं जवाब ही दे रहा हूं, अगर जी। आप ना समझने की कोशिश करें तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना कल्बे जव्वाद साहब, जो आपके बड़े आलिम हैं, अगर वो ये कह दें कि इस्लाम में ऐसा कोई थॉट्स नहीं है कि मुसलमान को जन्नत में जाने के बाद हूरें मिलेंगी, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे ना। पहले आपके स्कूल ऑफ थॉट्स को जानना जरूरी है ना, आपको तो जानकारी है नहीं, तो अपने किसी मैं बड़े आपसे आलिम को सवाल बुला कर रही लीजिए। हूँ, बच्चा का हिस्सा नहीं है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तो आपसे जवाब चाहती हूँ। मैं बता रहा हूं, मैं जवाब ही तो दे रहा हूं, ये जवाब ही तो है मेरा। उनको तो अगर बुलाइए वो मेरे ऐसा साथ में कहेंगे किसी तो फिर दिन। वैसा होगा, फिर मैं बोलूंगा ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। मैं आपसे क्योंकि इसमें ये चर्चा यही तो बात है, क्योंकि करें जब तो जब मैं आप अपने जाहिर आप को मुसलमान जाहिर कर रही हैं, जब आप अपने आप कर को रही ये हूँ कह क्या रही मैं हैं कि मैं मुसलमान मुसलमान हूँ? हूं, आप ये किस सुनिए तरह की सुनिए बातें कर रही हैं, सुनिए, जाहिर कर रही हैं? अच्छा सुनिए ना, आपने ये कहा कि मैं मुसलमान हूं और आप कुरान के हुक्म को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सरासर टीवी पर इनकार कर रही हैं कि इस पर तो मैंने बैन तो लगना ऐसा कुछ चाहिए। भी नहीं कहा, मैं तो आपसे सवाल करी आप कि कह रहे हैं ना आपने बैन कहा लगना है, चाहिए, मैंने पहले भी आपसे आपने पूछा कहा तो ना बैन कहा लगना है एक चाहिए, बात, आप आपने इस्लामिक अभी स्कॉलर कहा हैं, ना मैं तो बैन लगना इस्लामिक चाहिए स्कॉलर इस पर। नहीं हूँ ना, मैंने ये सवाल आपसे आपने पूछा। अभी तो कहा है मोहतरमा, अभी तो आपने कहा है कि इस पर बैन लगना चाहिए, आलिमों को इस पर बैन मैंने लगाना ऐसा चाहिए। नहीं तो कहा, मैंने आपके कहा स्कूल ऑफ थॉट्स के आलिम जो है, अगर वो बैन लगा देंगे फिर बात करेंगे हम, मैंने बुलाइए पहले उनको। आपसे सवाल किया था, आपने तब भी इसको जवाब नहीं दिया कि आखिर कहाँ आए पर शाय भी मत कीजिए, शर्मा देखिए हुई है, आए शाय मत कहाँ पर कीजिए, भी हुई है, कहाँ से इस तरह की आए एक्टिविटी शाय पे मत बैन लगा कीजिए, सुनिए, सकते हैं? उसमें भी आपने जनेबी बनाई, आए आपने शाय मत आपसे कीजिए। आई क्या बाय शाय नहीं आप, करे, मेरा क्या सवाल बिल्कुल आप क्लियर था, आपसे सुनिए, मैंने सवाल किया आई बाय शाय आप कर रहे हैं, आपको नहीं अब लगता अगर सुनिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो जिम्मेदारी इस्लामिक स्कॉलर्स और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की है कि यूथ को सही जानकारी पहुंचाए और सुनिए गलत सुनिए सुनिए जानकारी पर बैन सुनिए, लगाए, इसमें क्या गलत सवाल है? अच्छा आपको सुनिए, क्यों उस सुन पे तो लीजिए इतना ना, ज्यादा बड़ा सुन प्लेटफॉर्म लीजिए, पर उस पे सवाल आप शेयर क्यों कर सवाल रहे हैं? को, आप अपने सवाल को जवाब मत बनाइए, आप अपने मैं सवाल को जवाब सवाल ही दूंगा, रखिए। आपको सुनिए, मेरे से ही सवाल लगे, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपसे मैंने मैं सीधा आपको साधा सवाल काउंटर किया था, आपने ये बात एक कही और, कि अच्छा इस तरह सुनिए की सुनिए, जानकारी अनवर ये अगर कोई सुनने वाले कर रहा नहीं है, है, गलत हरकत कर रहा है, तो वो गैर इस्लामिक है। तो मैंने आपसे ये सवाल किया कि अगर इस तरह की चीजें प्रचलित हो रही है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह की जो आधी अधूरी गलत मैंने जानकारी है उस पर रोक लगनी नहीं चाहिए? नहीं मैंने 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 जन्नत में हूरों के मिलने को गैर इस्लामी नहीं कहा है, मैंने कहा है अगर किसी का मर्डर किया जा रहा है तो वो गैर इस्लामी है। आप मेरी बात को वहां से क्यों जोड़ रही हैं? आपने कहा कि आपने 72 मेरा हूरों सवाल वाला जो पूछा कि कॉन्सेप्ट किस है, तरह इस से पर बैन लगना चाहिए। आप सुन लीजिए, आपने क्या कहा कि 72 हूरों वाले कॉन्सेप्ट है और बैन लगना चाहिए, आपने कहा, 72 है, मैंने उतने थोड़ी मिलेंगे अगर कहा। आप काफिरों को मारेंगे तो? इस तरह की चीजें क्या लिखा है कुरान में कि काफिरों को मारेंगे, उनकी लड़कियों को टारगेट करेंगे, धर्म परिवर्तन कराकर, तो आपको बहुत डर आपने क्यों? ये नहीं कहा, मैंने यही आपने ये सवाल नहीं है, यही कहा, हमारी चर्चा नहीं नहीं चल नहीं रही नहीं है, नहीं यही चर्चा चल रही आपने है, ये यही सवाल कहा, है, सुनिए सुनिए आप सुनिए जबरदस्ती सुनिए, इस जज्बाती बात मत को होइए रोकने या फिर बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मोहतरमा, कि आप जज्बाती मत अपने होइए ओपिनियन पर, मोहतरमा, जज्बाती मत होइए, सुनिए मैं सुनिए, जज्बाती नहीं हूँ, मैं आपने ये सिर्फ कहा, इस्लामिक आपने ओपिनियन, आप इनसे वीडियो भी बना रहे हैं, सवाल आप किया मुझे कि क्यों बता 72 रहे हैं? हूरों वाले कॉन्सेप्ट पर जो आधी अधूरी जानकारी है, क्या इस पर बैन नहीं लगना चाहिए? आपने ये कहा, ये सवाल था आपका। इसमें क्या गलत है? अगर ये भी कहा है तो बताइए, अगर आप ही ने कहा ना मिस तो इन्फॉर्मेशन है, अगर मिस आपके इन्फॉर्मेशन हो रही है, शिया लोग स्कूल ऑफ गलत कर थॉट्स रहे हैं, में, वो अगर इस्लाम की शिया स्कूल ऑफ कह थॉट्स रहे हैं कि में ये नहीं आर इस्लामिक इसको गैर ओपिनियन है, इस्लामी माना जाए, आप खुद खुद बोल चुके हैं, 72 हूरों मैंने ही उससे को, सवाल उठा दिया था, आप मुझे कह तो रहे हैं फिर कि आप हम गैर आगे बात इस्लामिक करेंगे। साबित मैंने करना क्या गलत चाहते कह दिया? ये तो मैंने तमाम क्या स्कूल गलत ऑफ किया? थॉट्स इस आपने पर, आप ही ने बोला ना स्टार्टिंग में कि जो जितने आपका इस्लाम गाइडलाइन में, की तरह सुनिए, गलत कर रहे हैं अरे उनको जवाब आप तो इस्लामिक नहीं सुनिए रोक सकते? मोहतरमा, जवाब तो सुनिए, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रही हैं, इतना मैं गुस्से क्यों हो उत्तेजित रही नहीं हो रही हैं? हूँ, आप एक्चुअली मेरे सवाल से बचना चाह रहे हैं। इस्लाम में सुनिए, इस्लाम में जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो तमाम इस पर यकीन रखते हैं और ईमान है उनका कि
कि जन्नत में जो आदमी जाएगा उसको हूर मिलेगी, ये हर मुसलमान का, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, क्योंकि कुरान कहता है, क्योंकि कुरान कहता है इस चीज को। नहीं 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 ये नहीं, आपने ये सवाल ही नहीं कि आप झूठ बोल रही हैं। आप पिछला देख लीजिए, रिवर्स करके देख लीजिए अपना, आप रिवर्स करके देख लीजिए। आपने ये कहा कि 72 हूरों वाले कॉन्सेप्ट पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसे गैर इस्लामिक करार दिया जाना चाहिए। पूरी चर्चा इसी बात पे कर सुन रही लीजिए आप अपनी बात को, हो रही है जो सुन लीजिए आप जो अपनी बात को, जानकारी गलत माइंडसेट उनका शेप अप किया क्या जा रहा है, गलत जानकारी है इसमें। कौन इंस्पायर कर रहा है, अगर कौन कुरान इंस्पायर कर में रहा है? यहाँ सुनिए, पर इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो जो गलत तरीके से इंस्पायर हो रहे हैं उसको कौन क्लियर करेगा, देखिए किसकी जिम्मेदारी है? बात सुनिए, कुरान जो है ना, कुरान जालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब ऐसी है इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। और जिन्होंने शक किया ना, वसीम रिजवी जैसे आदमी, लानतुल्लाह अलैहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, आज हिंदू भी पसंद नहीं कर रहा है, मुसलमान भी पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए सोच समझ के सवाल किया कीजिए, माफ कीजिएगा, ये कुरान का मामला है, ये कुरान का मामला है। हाँ ये कुरान का मामला है, सोच समझ के सवाल किया कीजिए। अगर एक मुसलमान इस तरह का काम करता है तो उसको इस्लाम के दायरे में नहीं रख सकते, वो गैर इस्लामिक है। क्यों देखते मैंने हो उसको आपको इस्लाम कहा को, कि जब इंटरनेशनल हमने लेवल कंडम, पर जब टेररिस्ट हमने बैठते ही ऑर्गेनाइजेशन कंडम एग्जिस्ट किया करते है, हैं, जब इस तरह मैंने के न्यूज बैठते ही मीडिया कंडम शुरू किया कर रहे हैं है, तो उसको क्लियर आउट जब करना है कि मैंने जो गलत बैठते ही कंडक्ट उसको, है उसको क्लियर आउट करना या उस पर बैन लगाना, अरे किसकी मोहतरमा, जिम्मेदारी है? जब आप मैंने तो इंडिया के बैठते सिटीजन ही, है। देखो जवाब नहीं सुनेंगी, जवाब मैं नहीं उछला हूं, मैं तो आज भी देखो कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, उछल तो आप रही हैं, मैं तो देखो कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं तो जज्बाती हो ही नहीं रहा हूँ, मैं जज्बाती तो तो आप हो रही जज्बाती हैं हूँ, मैं तो ना, मैं सिर्फ उछल आपसे रहा हूं बात ना कर कूद रहा रही हूं, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, मैंने बैठते ही शद्दा मर्डर केस को बिल्कुल कंडम किया और ये कहा कि ये गैर इस्लामी है, बात खत्म हो जानी चाहिए। तो इस पर बार बार ये कहना कि साहब इस पर जो है, इस पर जो है धरने प्रदर्शन करें मुसलमान, उलमा सड़कों पर आए, क्यों आए भाई, हमने बता दिया ना कि ये गैर इस्लामी है, हम लेकिन सड़कों जहां पर क्यों आए, से, क्यों धरने प्रदर्शन करें हम इस पर, चलिए चलिए नहीं ना ना कीजिए, लेकिन जहां बताइए आप से, मुझे, जब हम चलिए टीवी ना पर ना ना बैठकर मत ना सोशल कीजिए, मीडिया आप पर इसको अपने कह रहे हैं कि गैर सरपंच से इस्लामी है, तो जुड़ा जिसको के मानना है कभी माने, जिसको प्रदर्शन नहीं कर मानना है ना सकते माने, हैं, जहां पर समाज के एक बड़े पार्ट का इतना जिसके बड़ा जहन में नेतृत्व गोबर बैठा भरा हुआ हुआ है, है, अगर इस्लाम जिसके का जहन में आप कार्य गंदगी नेतृत्व है, गलत कर रहा है, कुछ तो लोग हैं अपने जिनके नेतृत्व जहनों में के गंदगी है, तो साथ उसको हम साफ नहीं कर सकते, आप लोग ही तो कुछ गंगा लोगों जमुना के जहन में नेतृत्व इस्लाम की साफ तरफ करते से हैं। गंदगी है, उनके जहन में देखिए गोबर हम ये है, सुनने वाले उनके नहीं जहन में वो है, टीआरपी के ये लिए, सुनने वाले हैं ही वो नहीं, ये सुनिए ही टीआरपी के तो। लिए इस तरह की बातें करते हैं, वो करें, उस गंदगी को साफ नहीं कर सकते हम, लेकिन इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि किसी को नाजायज मारा नहीं जा सकता, नहीं मारा जा सकता। इस्लाम तो ये कहता है अगर आपने किसी को, किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया बिला वजह के, तो आपने ऐसा जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, ये कुरान कहता है, ये मेरी बात नहीं है, कुरान की बात है, तो बिल्कुल हम मैं तो इसको मानती हूँ कंडम इस कर बात रहे को, हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जहन में गंदगी है, फिर भी कुछ लोगों के जहन में गोबर भरा हुआ है इस्लाम की तरफ से, फिर भी कुछ लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इस्लाम पर कुछ नहीं फर्क पड़ता, इस्लाम को गाली देने वाला आज नहीं है, जब से दुनिया बनी है और कयामत तक रहेगी, इस्लाम पर फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, जितना लोग इस्लाम को गालियां देते हैं इस्लाम उतना ही फलता फूलता है, एक आदमी गाली देता है 50 इस्लाम में आ जाते हैं, सैकड़ों इस्लाम कबूल कर लेते हैं, हजारों इस्लाम कबूल कर लेते हैं, गाली देने वाला एक होता है, वो अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर लेता है गाली दे के, जैसे वसीम रिजवी ने कर ली, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस्लाम को गाली देकर अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हैं, सिर्फ दुनियावी शोहरत के लिए, टीवी पर आने के लिए, सरकार की नजर में अच्छा बनने के लिए, ऐसे बहुत लोग हैं, वसीम रिजवी ने भी यही किया था, देखो अल्लाह ने ऐसा ऐसा बर्बाद कर दिया, ना हिंदू ना मुसलमान, ना दीन का ना दुनिया का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बहुत लोगों के हश्र हमने देखे अपनी जिंदगी में, और ऐसे ही होते हैं ऐसे लोगों के हश्र जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके इस्लाम को गालियां देते हैं टीवी पर बैठकर, उनके हश्र ऐसे ही होते हैं रशीदी देर साहब, मुझे सवेर। लगता है कि एक मुसलमान का फर्ज है हक परस्ती और सही बात के लिए, सच्चाई के लिए आवाज उठाना। नाजिम जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह से जब हम समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो किस तरह से हल की तरफ पहुंचेंगे? देखिए जब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये कुछ गलत हो रहा है या किसी जिहाद का हिस्सा है, तो
तो फिर उसको समस्या को हल कैसे किया जा सकता है? ये समस्या उसी तरह हल होगी जैसे हम लोगों ने ट्रिपल तलाक की समस्या को हल कराया कि महिलाओं ने आवाज उठाई और इसके लिए भी महिलाएं ही आवाज उठाएंगी और तभी जाकर के ये समस्या हल होगी। चाहे वो चाहे जितना भी चीखे, चाहे जितना भी चिल्लाएं, या फिर जितनी भी आप अपनी आवाज को बुलंद करें कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है या इस तरह की बातें कहें, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरे टीवी चैनल वाले पूरे देश भर के लोग देखते हैं कि किस तरह से ये लोग इस्लाम का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाते हैं। इसलिए इस मुद्दे को भी हमारे जैसे आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ही हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग हैं वो इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ठेका ही है इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना। अच्छा नाज़रीन जी, एक सवाल मेरा आपसे और ये है कि अब जबकि जो जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, क्योंकि हमारे देश में 11 स्टेट्स में इसका कानून है लेकिन केंद्र में बनाने की बात चल रही है, आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को एक ऐसा उचित और सशक्त कानून बनाना चाहिए जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए? जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, अंतर जातीय विवाह, उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराना अनिवार्य कर देना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी कास्ट की हो, तो फिर वो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार रहें, अपने धर्म के अनुसार रहें, ये उनकी पूरी की पूरी आजादी होनी चाहिए। क्योंकि मर्दों पे तो ये चीज लागू नहीं होता कि उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्जन किया जाए या फिर उनको जबरन हिंदू बनाया जाए, तो इस तरह की चीजें मर्दों पे लागू नहीं होती, मगर महिलाओं को जबरदस्ती हर जगह झुकाने की कोशिश की जाती है। तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून बहुत जरूरी है और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए और सख्ती के साथ लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर सख्ती के साथ लागू नहीं हुआ तो फिर जैसे श्रद्धा जैसे लोग ही हैं जो आज एक श्रद्धा है और ना जाने कितनी श्रद्धा जो गुमनाम कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, तो ऐसे ही ना जाने कितने लोग मिलते रहेंगे। तो इनको अगर हमें महिलाओं को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने कौम की लड़कियों को बचाना है, तो इस तरह के कानून की बहुत जरूरत है और ये सख्ती के साथ लागू होना चाहिए।